ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेट्स स्टार्ट विद द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो ये लेक्चर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, बट वी विल फिनिश इट ऑफ टुडे। ठीक है। अच्छा, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की जो बेसिक डिफिनेशन थी वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग्स, रनवेज, नेविगेशन एड्स टू प्रोवाइड फॉर पैसेंजर एंड फ्रेट सर्विस। ठीक है। जो भी सिविल इंजीनियरिंग की प्रोजेक्ट होती है, तो वो मैंने क्लास में आपको बताया था कि 5 फेजेस में उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दैट इंक्लूड्स द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो उसी डिफिनेशन को भी आप यूज कर सकते हैं, और वहां पे आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग या एयरपोर्ट या जिस जो टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, रनवेज है और नेविगेशन एड्स हैं, उसको अगर आप रिप्लेस कर देते हैं उस डिफिनेशन में विद द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आपकी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की डिफिनेशन बन जाएगी। Somebody सर said, स्क्रीन अभी आवाज अंदर आ रही सर, क्लियर आवाज हमने दर्जी क्लियर सर, क्लियर दे सर, आवाज है आवाज सर, क्लियर थोड़ी क्लियर है सर। एक्चुअली मैम शायद आपके साथ मसला होगा, कोई नेटवर्क का इशू होगा आपके पास। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है सारा कुछ? यस यस सर, यस यस सर, क्लियर सर। दे आवाज। ओके ओके। अच्छा, तो जो दोज पर्सनल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स लाइक टर्मिनल बिल्डिंग्स, रनवेज एंड नेविगेशन एड्स, तो वी कॉल देम एयरपोर्ट इंजीनियर्स। ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स ही होते हैं, लेकिन लेकिन उनकी फर्दर स्पेशलाइजेशन जो है वो फिर एयरपोर्ट की सारी जो डिटेलिंग में होती है। तो दे बेसिकली दे डील विद द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट्स, एंड दे कुड बी सेपरेटली कॉल्ड एज एयरपोर्ट इंजीनियर्स एज वेल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एयरफील्ड एंड एरोड्रोम। ठीक है। एयरफील्ड इज बेसिकली अ स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज ओनली यूज फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ रनवे पे ये मुश्तमिल होता है। देर आर नो एडिशनल फैसिलिटीज अलॉन्ग विद दैट, जिसमें कोई नेविगेशन एड्स, मार्किंग्स एंड टर्मिनल फैसिलिटीज कोई नहीं होती। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एयर फील्ड। ठीक है। जिसकी मैंने मिसाल वो मोटरवे पे जो स्ट्रिप ऑफ लैंड मौजूद है, जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज बेसिकली बेसिकली एन एयरफील्ड। ठीक है। या आर्मी के अगर आप देखें, मुख्तलिफ उन्होंने अपने एयरफील्ड्स बनाई होती है, तो उसमें भी वहां पे भी सिर्फ एक रनवे ही मौजूद होता है। वहां उनकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, तो इट्स दैट दोज आर आल्सो एयरफील्ड्स। जबकि एरोड्रोम क्या होता है, एक फुली फंक्शनल एयरपोर्ट जब हो तो उसको हम एरोड्रोम कहते हैं। ठीक है। जिसमें रनवे के साथ साथ देयर आर ऑल एडिशनल फैसिलिटीज अलोंग विद दैट, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग्स हुआ, इसके अलावा जो है नेविगेशन एड्स, मार्किंग्स, और तमाम जो उसकी मतलब पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए तमाम फैसिलिटीज वहां पे मौजूद होती हैं। ठीक है। तो दैट इज बेसिकली एंड एरोड्रोम। थोड़ा सा हमने हिस्ट्री भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो पहला एयरपोर्ट, सॉरी, जो पहला एयरक्राफ्ट था, तो वो 1903 में बनाया गया था बाय राइट ब्रदर्स। ठीक है। नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हो। राइट ब्रदर्स वर टू ब्रदर्स हु एक्चुअली डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड एन एयरक्राफ्ट। ठीक है। और फिर उसने उनसे सक्सेसफुल फ्लाइट भी ली, दैट वॉज इन नॉर्थ कैरोलिना। फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होती गई, और जो पहला एयरपोर्ट था वो 1928 में बनाया गया था। ठीक है। दैट वॉज इन लंडन, इंग्लैंड। ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर एयरक्राफ्ट की उसमें डेवलपमेंट हो गई, होती गई, और 1954 में जो बोइंग एयरक्राफ्ट थे वो बनना शुरू हुए, और उनकी कैपेसिटी थी तकरीबन 80 पैसेंजर्स तक वो कैरी कर सकते थे। ठीक है ना। तो उससे पहले जो एयरक्राफ्ट थे वो बड़ी लिमिटेड उनकी सीटिंग और कैपेसिटी हुआ करती थी।
और इसके बाद अगर आप 2006 तक आ जाएं तो फर्दर एडवांसमेंट हो गई इन द इन द इन द एयरक्राफ्ट, और एयर बसेस का जमाना शुरू हुआ, और A328 जो एयरक्राफ्ट है, विच इज बेसिकली एन एयर बस दैट दैट कैन टेक अप टू 800 पैसेंजर्स एट अ टाइम, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है अभी जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ओनली दैट कैन अकोमोडेट द एयर बस। अदरवाइज पाकिस्तान में जितने भी पुराने एयरपोर्ट्स हैं, जैसे पिशावर, कराची, लाहौर वाले जितने एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे एयर बसेस जो हैं वो लैंड नहीं कर सकते। तो उनकी वजह ये है क्योंकि एयर बस उनकी डायमेंशंस इतनी बड़ी होती है कि वो उनके लिए जो रनवे की रिक्वायरमेंट है वो भी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे इनके जो रनवेज पाकिस्तान में बने हैं वो इन एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लैंड एंड टेक ऑफ थ्रू थ्रू दीज एयरपोर्ट्स। लेकिन अभी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बना है, वहां पे जो है वो उनकी उसमें एयर बस की को मद्देनजर रख के उनकी तमाम रनवेज बनाई गई है, तो वहां पे ये लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, और किया भी था। शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना हो, पिछले साल जब ये ऑपरेशनल हुआ तो पहला एयर बस जो एमिरेट्स वो यहाँ पे लैंड किया किया था उसने, और फिर उसको जाके न्यूज में और स्क्रीन पे भी दिखाया गया था। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयरपोर्ट्स, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और रीजनल एयरपोर्ट है। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा होता है। ये वो एयरपोर्ट जिसमें डोमेस्टिक सॉरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उसको ये डील कर रहा होता है, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, प्लस प्लस बोथ बोथ फॉर पैसेंजर एंड कार्गो, एंड प्लस इट कैन एक्ट एज अ हब फॉर 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 द इंटरनेशनल फ्लाइट्स एज वेल। हब्स का क्या मतलब है? नॉन डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए, ठीक है, कि लेट्स सपोज आप एक लॉन्ग राउट पे जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू टू द यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, तो फिर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, यूजुअली नॉन डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं जिसमें कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। एक फ्लाइट से आप शिफ्ट होते हैं एक एयरक्राफ्ट से टू द नेक्स्ट एयरक्राफ्ट, तो वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं, दे कैन एक्ट लाइक अ हब फॉर नाइन नॉन डायरेक्ट फ्लाइट्स, एंड दे आर इक्विप्ड विद कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज अलॉन्ग विद दैट। क्योंकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में फर्क यही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम्स और इमिग्रेशन फैसिलिटीज होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं और अदर कंट्रीज से लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज वहां पे लाजिम होती है, ठीक है। जबकि उसके मुकाबले में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो वो फ्लाइट्स विद इन द सेम कंट्री को डील कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो इसमें नहीं होती, सिर्फ विद इन द सेम कंट्री फ्लाइट जो है वो उसके ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ करती हैं, एंड देयर आर नो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज इन इन दोज एयरपोर्ट्स, ठीक है। कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज क्यों नहीं है? क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होती, तो इस वजह से कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज जो है उनकी जरूरत नहीं होती, और दे यूजली हैव शॉर्ट रनवेज, ठीक है, कंपेयर टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि रीजनल एयरपोर्ट क्या होता है? ये एक स्पेशल पर्पस एयरपोर्ट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल बिजनेस एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड और टेक ऑफ कर सकती हैं, या फिर कोई स्पेशल इमरजेंसी केसेस में कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है तो उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ भी वहां से हो सकती है। ये एक छोटे से रीजन में बनाई जाती है, जस्ट लाइक मैंने पिछली क्लास में मिसाल दी थी कि सवात में भी एक एयरपोर्ट है, इस तरह बनू में भी एक एयरपोर्ट है, बट वो ऐसी एयरपोर्ट्स हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होती। जस्ट लाइक स्पेशल पर्पस में कहीं पे कोई लेट सपोज कोई स्पेशल मोमेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो, चीफ मिनिस्टर जा रहा हो, या कोई और मतलब कोई स्पेशल पर्पस हो, तो उस केस में जो है उस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड दैट दैट दोज आर कॉल्ड रीजनल एयरपोर्ट्स, ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी।
सर जी, ये मोटरवेज के दरमियान में भी इस तरह का कुछ वो प्रोवाइड किया हुआ, गया है ये सर, ये मैं पिछले रनवे। क्लास में बच्चे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो एयरपोर्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, वो दैट इज एन एयरफील्ड। ठीक है, एयरफील्ड क्या होता है, जिसमें सिर्फ रनवे मौजूद होता है, स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, पेव्ड सरफेस होता है, जिस पे आप लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ओके ना, सर, तो वो बेसिकली एयरफील्ड है। जब एयरपोर्ट हम बोलते हैं तो उसमें सब कुछ मौजूद होगा, उसमें टर्मिनल बिल्डिंग भी होगी, साथ में टैक्सीवे भी होगा, रनवे भी होगा, पूरा एयरपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ये दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इदारा है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, दे हैव कोडिफाइड द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर एविएशन। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनती हैं या जितने भी एयर एविएशन के हवाले से जो प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं, उन तमाम को उन्होंने कोड्स में कन्वर्ट किया है, एक स्पेशल कोड्स हैं। जैसे आपका बिल्डिंग कोड नहीं है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग कोड में क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको गाइडलाइंस मिल रही होती हैं। सिमिलरली जो एयर एविएशन के हवाले से जितनी भी गाइडलाइंस हैं, वो ICAO ने एक डॉक्यूमेंट है उनका। ठीक है, उन्होंने इस और इसमें हर साल जो है वो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो वो एक इदारा है जो कि इन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स और सारे टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप किए हैं जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, सेफ्टी के लिए और यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको फॉलो किया जा सके, और कोई भी जो पायलट है अगर वो ICAO के गाइडलाइंस और को समझता है, तो वो चाहे जिस कंट्री में भी ट्रेवल कर रहा होगा, उसको तमाम जो चीजें हैं वो यकसा मिलेंगी। ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट को अगर वो यूज करेगा, लेट सपोज कोई पाकिस्तानी पायलट है और वो जाके चाइना में लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, तो वो तो चाइनीज उसको समझ नहीं आएगी, तो दैट्स वाई वो डिफरेंट कोड्स होती हैं जिनके थ्रू वो एयरपोर्ट स्टाफ पायलट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिसको वो समझ उसको आ जाती है कि मुझे लैंडिंग करनी है, मुझे नहीं करनी है, रनवे बिजी है, रनवे पे खाली है, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट कोड्स के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो सारे कोड्स जो हैं वो ICAO ने डेवलप किए हैं। प्लस इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो एयरपोर्ट्स बनाने के हवाले से भी जितनी भी गाइडलाइंस और टेक्निक्स हैं वो भी ICAO ने बताई है। ठीक है, तो वो जो भी एयरपोर्ट बनाया जाता है वो ICAO के गाइडलाइन के मुताबिक बनाया जाता है, और दैट वाज डेवलप्ड इन 1944 इन शिकागो। ठीक है, अच्छा, फिर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एयरपोर्ट डिस्कस किए, जिसमें आपके पास रनवे है, टैक्सीवे है, एप्रॉन है, टर्मिनल बिल्डिंग, कंट्रोल टावर, हैंगर और पार्किंग। रनवे क्या है, इट इज अ पेव्ड लैंड स्ट्रिप ऑन विच लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट टेक प्लेस। ठीक है, ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, यानी पेव्ड स्ट्रिप होता है, एक रोड होती है, इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक रोड होती है। ठीक है, जहां पे सिर्फ एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके ऊपर स्पेशल मार्किंग्स होती हैं और स्पेशल लाइटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, मार्किंग्स फॉर डे टाइम, लाइटिंग्स फॉर नाइट टाइम, और इसकी जो रनवे जब बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रनवे की डायरेक्शन है वो विंड के हिसाब से रखी जाती है, जो विंड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में जो है वो रनवे भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में कि विंड की कौन सी टाइप्स होती हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ विंड्स हैं, विच इज क्रॉस विंड, टेल विंड और हेड विंड। तो क्रॉस विंड जो है वो सबसे खतरनाक विंड कहलाती है। ठीक है ना, तो जो विंड बनाई जा जो रनवे बनाया जाता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड बनाया जाता है। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रहा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो है वो
जो है वो रनवे बनाया जाता है ताकि इट हेल्प्स इन टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। जबकि क्रॉस विंड है, ये एक ऐसा विंड होता है जो कि मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है ना, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टर्ब होती है। तो क्रॉस विंड कम इस डायरेक्ट ऐसे डायरेक्शन में रनवे रख बनाया जाता है जिसमें जिस डायरेक्शन में क्रॉस विंड कंपोनेंट सबसे मिनिमम हो, ठीक है ना, ताकि वो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को डिस्टर्ब ना करें। नंबर ऑफ रनवेज कुड बी मोर देन वन, जरूरी नहीं है कि एक एयरपोर्ट के अंदर एक ही रनवे हो, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रनवेज, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपका एयर ट्रैफिक के ऊपर, जितनी एयर ट्रैफिक ज्यादा होगी उतनी आपके पास रनवेज जो है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। 30 मोमेंट्स पर आवर, अगर आपके पास 30 मोमेंट्स पर आवर किसी एयरपोर्ट के ऊपर हो, यानी 30 लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स कंबाइंडली पर आवर हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक रनवे वहां के लिए काफी नहीं है, फिर एक से ज्यादा रनवे बनानी पड़ती है, ठीक है। इट कुड बी बिचुमेन, इट कुड बी मेड ऑफ बिचुमेन और कॉन्क्रीट, फ्लेक्सिबल पेमेंट की भी बना सकते हैं, रिजिड पेमेंट की भी बना सकते हैं, ठीक है। उसकी विड्थ जो है वो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट की साइज के ऊपर, जो डिजाइन एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर, जबकि उसकी लेंथ जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपके पास एलिवेशन है, टेम्परेचर है, टेक ऑफ हाइट है, ग्रेडियंट्स हैं। ये आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हम लेंथ डिटरमाइन करेंगे फॉर द रनवे। दिस इज अ रनवे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जितने भी व्हाइट मार्किंग की जाती है ये रनवे के ऊपर की जाती है, ठीक है, और जितनी भी येलो मार्किंग की जाती है वो टैक्सी वे के ऊपर की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ रनवे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देयर आर टू रनवेज, एक ये रनवे है एक ये रनवे है, ठीक है ना। ये दो क्यों बनाई गई है, एक इस एक को हम कह सकते हैं कि एक मेन रनवे है और दूसरा आपके पास क्रॉस विंड के लिए रनवे है। जरूरी नहीं है कि पूरा साल एक ही डायरेक्शन में विंड मूव कर रही हो, ठीक है ना, कभी कभार जो है विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो मेन रनवे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उस दौरान, तो फिर जो है इमरजेंसी पर्पस के लिए ये क्रॉस रनवे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है टैक्सी। टैक्सी वे क्या होती है, ये एक इसको भी बिल्कुल मेन रनवे के साथ बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ टैक्सी वे, दिस इज अ टैक्सी वे, ठीक है। इट इज मेड अलोंग विद द मेन रनवे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो लैंड करने के बाद फौरन इसको रनवे खाली करनी पड़ती है, एंड इट हैज टू शिफ्ट टू द टैक्सी वे। व्हाई वी कॉल दिस टैक्सी वे, क्योंकि इस पे एयरक्राफ्ट जो मूव करता है जस्ट लाइक अ टैक्सी मूव करता है, जैसे लैंड के ऊपर गाड़ी मूव करती है ना, कार मूव करती है, बिल्कुल एयरक्राफ्ट भी लैंड के ऊपर ऐसे ही मूव कर रहा होता है। तो ये जो मूव करता है जो उसके लिए जो रोड्स बनाई जाती हैं या जो स्ट्रिप ऑफ पेव्ड सरफेस बनाया जाता है उसको टैक्सी वे कहा जाता है। ये सारा टैक्सी वे है, ठीक है। टैक्सी वे ये भी है, ये भी टैक्सी वे है, ये भी जो इसके साथ एप्रॉन रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ऑल दोज आर टैक्सी वे। एप्रॉन क्या है, व्हाट इज एप्रॉन, एप्रॉन उस जगह को कहते हैं जिस इसको हम कह सकते हैं दिस इज द लैंडिंग एरिया, सॉरी दिस इज द पार्किंग एरिया ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट की पार्किंग यहाँ पे की जाती है, प्लस लोडिंग और अनलोडिंग भी यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, पैसेंजर लोडिंग हो चाहे कार्गो लोडिंग हो वो एप्रॉन रीजन पे की जाती है, ठीक है। तो और इसका जो साइज है, साइज वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर, जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे लैंडिंग और टेक ऑफ करती हैं तो उसको एप्रॉन रीजन में भी ज्यादा जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास जो है वो एयरपोर्ट के इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो द एप्रॉन रीजन, दिस इज ऑल्सो द एप्रॉन रीजन, ठीक है। इसके बाद है टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग ऑलरेडी जिसको हम एयरपोर्ट समझते हैं तो वो बेसिकली टर्मिनल बिल्डिंग होता है, जहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो जाते हैं
और वहां पे उनकी कैफेज मौजूद होती हैं, वेटिंग एरिया मौजूद होता है जहाँ पे रिसीविंग होती है, रिसेप्शन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा टिकटिंग फैसिलिटीज वहां पे मौजूद होती हैं। तो ये सारा का सारा जो ऑपरेशनल प्लस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज जो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होती है, वो भी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कंट्रोल टावर, ठीक है। कंट्रोल टावर जो है उसमें क्या किया जाता है, मुस्तबगुल इसके अलावा है हमारे पास कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर बेसिकली इसको आप कह सकते हैं इट इज द नर्व सिस्टम ऑफ द एयरपोर्ट। इसमें तमाम जो एयरक्राफ्ट जो हैं वो चाहे एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हो या चाहे हवा में मौजूद हो, जो भी इस रीजन के अंदर आ जाती हैं एयरक्राफ्ट, वो ऑटोमेटिकली इस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल टावर कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ए नर्वस सिस्टम ऑफ द एयरपोर्ट। और वो इसके अंदर जितना भी स्टाफ बैठा होता है वो इन कम्युनिकेशन होता है विद द पायलट, और वो उसको गाइड कर रहा होता है कि कब उसने लैंडिंग करनी है, कब उसने जो है वो रनवे खाली है, रनवे खाली नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो राउट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, विंड स्पीड, तमाम जो डिटेल है वो जो है वो नीचे कंट्रोल टावर से स्टाफ एयरप्लेन के अंदर जो पायलट मौजूद होता है वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अलावा है हमारे पास हैंगर। हैंगर इज अ प्लेस वेयर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज डन। इसमें क्या किया जाता है, ये एक रूफ ट्रस शक्ल का बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे टायर प्रेशर वगैरह है या और फ्यूलिंग वगैरह है या इसके अलावा जितनी भी सर्विसिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ इस हैंगर रीजन में की जाती है। एक्सक्यूज मी लास्ट में सर, आपके आपके पास पार्किंग, जी इधर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि जो टावर में बैठे होते हैं ना, कंट्रोल टावर में, वो ट्रैफिक इंजीनियर होते हैं या कोई कोई और होता है सर? इधर एक स्टूडेंट ने नहीं नहीं कमेंट नहीं किया है सर। नहीं 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 लेट मी चेक द कमेंट। अच्छा अच्छा कंट्रोल टावर में जो बैठे होते हैं वो ट्रैफिक इंजीनियर होते हैं? नहीं, दे आर नॉट ट्रैफिक इंजीनियर, ठीक है। वो जो स्टाफ बैठा होता है वो ट्रैफिक इंजीनियर का काम सिर्फ डिजाइन के साथ होता है, जो एयरपोर्ट डिजाइन करता है, ठीक है ना। और जो कंट्रोल टावर में जो बंदे बैठे होते हैं वो वो जो एविएशन जो सिविल एविएशन वाले बंदे हैं वो वहां पे बैठे होते हैं, और वो उनको सिर्फ और सिर्फ एविएशन की जो नॉलेज है वो उनके पास होती है, जो सिविल एविएशन स्टाफ होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, यस सर, ओके। और इसके अलावा हमारे पास है पार्किंग फैसिलिटीज। तो पार्किंग फैसिलिटीज जो है, चूंकि एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए यू विल यूज रोड नेटवर्क, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑटो व्हीकल पार्किंग की भी जरूरत होती है, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे जो कि एयरपोर्ट के हमने डिस्कस किए। अब बढ़ते हैं टू द एयरपोर्ट प्लानिंग स्टडीज, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल बेस्ड चीज है, लेकिन कोशिश करें क्योंकि ये सारी जो है वो जब आप खुद भी इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम समझने की कहेंगे कि प्लानिंग जो है वो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है और किस तरह एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट जब बनाया जाता है तो उसकी
उसकी प्लानिंग जो है वो कैसे की जाती है। बेसिकली जो प्लानिंग ऑफ द एयरपोर्ट है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस इतनी सिंपल नहीं है कि इसमें सिर्फ एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, इसमें देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द एयरपोर्ट प्लानिंग, ठीक है। अब वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं, और वो तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पे अगर आप देखें, ये एक टिपिकल लेआउट है ऑफ द एयरपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये एक टिपिकल लेआउट है। अब अगर आप इस लेआउट को देखें तो इसमें दो साइड्स हैं, एक आपके पास एयर साइड है और एक आपके पास लैंड साइड है। अब एयर साइड का क्या मतलब है? एयर साइड का मतलब ये है जो एयरक्राफ्ट जिस एरिया को यूज कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली द एयर साइड। और जो पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लैंड साइड ऑफ द एयरपोर्ट, ठीक है। और एक आपके पास होता है एयरफील्ड सरफेस, जो 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 एयर साइड को भी उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक होता है आपके पास एयर साइड का वो पोर्शन जो एट लैंड हो, और एक एयर साइड का वो पोर्शन जो हवा में हो। समझ आ रही है? अब ये टोटल एरिया विल कॉन्स्टिट्यूट एन एयरपोर्ट, ठीक है ना। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इससे आपके पास एयरपोर्ट बनेगा। अब एयर साइड में ऑलरेडी जो है वो ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हवा में जो एट द एयर एयर साइड है उसमें ये है कि ये देखिए टर्मिनल एयर स्पेस है। जैसे ही आप उस रीजन में दाखिल हो जाते हैं, बेसिकली आप उस एयरपोर्ट के रीजन में दाखिल हो गए, आप उस एयर स्पेस के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे वो बाय डिफॉल्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे टू दैट कंट्रोल टावर ऑफ दैट एयरपोर्ट, ठीक है। फिर जब वो लैंड करेंगे जमीन के ऊपर, तो वो उनके लिए फिर रनवे, टैक्सीवे, एप्रॉन एरिया, फिर टर्मिनल बिल्डिंग, फिर व्हीकुलर कार पार्किंग, इसके अलावा इनके बीच में भी जो है वो एग्जिट टैक्सीवेज, तो ये सारा का सारा जो है एक पूरा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट हो के आपके पास एक पूरा एयरपोर्ट सिस्टम बनता है। अब जब एयरपोर्ट की प्लानिंग की जाती है तो उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसमें? फैसिलिटी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। फैसिलिटी प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे लेट्स सपोज टर्मिनल फैसिलिटी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसके अलावा जो है वो जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे तो किस टाइप का एयरपोर्ट होगा, कौन से एयरक्राफ्ट इसमें डिजाइन एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, तो ये सारा का सारा जो है वो फैसिलिटी प्लानिंग में आती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है कि उसकी फाइनेंशियल स्टार्ट से लेकर एंड एंड तक, यानी कंस्ट्रक्शन जिस कौन कौन से फेजेस में होगा, तो उसकी तमाम जो फाइनेंशियल कॉस्ट डिटेलिंग है और फाइनेंशियल प्लानिंग है, कि क्योंकि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं एयरपोर्ट, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब टू कंस्ट्रक्ट ना, प्राइवेट तो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से उसकी सारा पैसा गवर्नमेंट का लग रहा होता है, इस वजह से उसकी और ना इट्स अ 1 ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इट्स अ मल्टीपल ईयर प्रोजेक्ट होता है। बड़ा एयरपोर्ट, अगर आपने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम देखा होगा, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 5 टू तकरीबन 8 से 10 साल लगे उसको कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट और फंक्शनल होने में। तो इट्स जो है वो इट्स नॉट अ सिंगल ईयर प्रोजेक्ट, इट्स अ मल्टीपल ईयर प्रोजेक्ट। तो इस वजह से उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी बजटिंग करनी होती है। इसके अलावा इसके ट्रैफिक के हवाले से भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि उसकी लोकेशन किया डिसीजन जो है, क्योंकि सिर्फ एयरपोर्ट बनाना तो नहीं है, एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि एयरपोर्ट जो है वो ऐसे लोकेशन में हो ताकि उसके लिए प्रॉपर रोड नेटवर्क जो है वो मौजूद हो, और वो कौन कौन सी एरियाज को फैसिलिटेट करेगा, तो उसके लिए पूरा ट्रैफिक प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी प्लानिंग में स्टडीज में इन्वॉल्व होती है, कि अगर कम हम कहाँ पे अगर कहीं पे एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा
इन द नियर बाय लोकेलिटी के ऊपर, ठीक है ना। उससे मार्केट्स जो है या इकोनॉमी जो है वो ग्रूम करेगी या डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी जो स्टडी जो है वो इसी प्लानिंग स्टडी में की जाती है। प्लस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है कि कब जब भी आप एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है, उसमें जो मेजर फैक्टर है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट के लिए एक अच्छी खासी लैंड रिक्वायर्ड होती है तो डेफिनेटली इट हैज टू अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द एरिया। वो तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है ना। जब भी अगर कहीं पे एयरपोर्ट बनाते हैं और उसके नियर बाय एरिया में कोई रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उन रेजिडेंट्स की। क्यों? क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करता है तो उसकी एक बहुत जो है वो शार्प और लाउड नॉइज वो प्रोड्यूस करता है उस नियर बाय लोकेलिटी में। तो वो जो वहां पे जो घर लोग बनाते हैं वो हमेशा वो उनको ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे कोई वो बिल्कुल सड़क के किनारे पे या फिर कोई ऐसी रीजन में जहाँ पे मतलब इट्स अ वेरी लाउड लाउड नॉइज, वो ना सो सकते हैं आराम से और ना जो है वो बच्चे भी हमेशा जो है वो परेशान होते हैं। तो वो दे स्वीट काज अ वेरी ह्यूज डिस्टरबेंस नियर बाय लोकेलिटी। जी सर, बैटल फील्ड होता है, बैटल फील्ड। जी तो दे एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू कैन से लाइक दिस। अच्छा, जो अब ये जो जितनी भी प्लानिंग है, ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए कि जब भी प्लानिंग की जाती है तो उनमें ये 5 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है और उनको 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया जाता है। उसमें 3 लेवल्स कौन से हैं, एक आपके पास सिस्टम प्लानिंग है, एक मास्टर प्लानिंग है और एक प्रोजेक्ट प्लानिंग है, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स हैं। प्लानिंग के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक सिस्टम प्लानिंग है, एक मास्टर प्लान है और एक प्रोजेक्ट प्लान है। अब सिस्टम प्लान विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल, डिटेल पे जाने से पहले जस्ट लुक इनटू द वर्ड्स एंड थिंक कि ये सिस्टम प्लानिंग क्या होता है, मास्टर प्लानिंग क्या होती है और प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। बेसिकली ये पूरे सिस्टम, जब आप एयरपोर्ट्स हैं तो पूरे कंट्री के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन क्या होता है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि आपके पास पूरी कंट्री का एक प्लान मौजूद होता है कि भाई पहला एयरपोर्ट ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो कलेक्टिव प्लानिंग की जाती है दैट इज, और वो ये कंट्री लेवल प्लानिंग होती है। ये जो सिस्टम प्लानिंग है दिस इज बेसिकली अ कंट्री लेवल प्लानिंग, ठीक है ना। पूरे कंट्री की प्लानिंग इसमें की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा आपके पास है मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग एक इंडिविजुअल एयरपोर्ट की जो प्लानिंग होती है, जस्ट लाइक अगर आप बना रहे हैं उस पॉइंट पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट या पिशावर एयरपोर्ट, तो जो जो इंडिविजुअल एयरपोर्ट है उसकी जो इंडिविजुअल प्लानिंग की जाती है वो मास्टर प्लानिंग का हिस्सा होता है। और तीसरा आपके पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में बेसिकली एक इंडिविजुअल एयरपोर्ट के किसी कंपोनेंट की प्लानिंग जो की जाती है, वी कॉल दिस एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जैसे एक एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पिशावर एयरपोर्ट है, और उस पिशावर एयरपोर्ट में कोई एक्सटेंशन हो रही है। एक्सटेंशन मतलब ये है कि एक रनवे ऑलरेडी मौजूद है और उसकी जगह उसके साथ आप एक दूसरा या तीसरा रनवे बनाना चाहते हैं। तो जब दूसरा या तीसरा रनवे बनाना चाहते हैं दैट इंक्लूड्स इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिस्टम प्लानिंग कंट्री लेवल प्लानिंग होती है। मास्टर प्लानिंग एक इंडिविजुअल एयरपोर्ट जब बनाते हैं, कंप्लीट एयरपोर्ट, दैट इज अ मास्टर प्लान। और तीसरा प्रोजेक्ट प्लानिंग, उस मास्टर प्लान के किसी कंपोनेंट को जब आप बनाते हैं दैट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इज दिस क्लियर ना? यस सर। यस सर।
अब आते हैं द एयरपोर्ट सिस्टम प्लानिंग. द एयरपोर्ट सिस्टम प्लान इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एविएशन फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू मीट द इमीडिएट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, रीजन, स्टेट और कंट्री. यहाँ पे आप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कंट्री लेवल प्लानिंग की जाती है, और इस कंट्री लेवल प्लानिंग में जितने भी उस कंट्री के एविएशन नीड्स को या एविएशन फैसिलिटीज, पूरे एविएशन फैसिलिटीज को मद्देनजर रखा जाता है. इसमें यह है कि इट्स ओवरऑल पर्पस इज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट, टाइप, नेचर, लोकेशन एंड टाइमिंग ऑफ द एयरपोर्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब जो है इसमें ये देखा जाता है कि कब कौन सा एयरपोर्ट बनेगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे बनेगा, उसका नेचर और टाइप कौन सा होगा और उसकी एक्सटेंट कौन सी होगी. इसका मतलब, नेचर और टाइप का मतलब ये है कि किस किस्म का एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल होगा, रीजनल होगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग की जाती है, चूंकि कंट्री लेवल प्लानिंग होती है बाय, और ये एविएशन नीड्स या एविएशन फैसिलिटीज और रिक्वायरमेंट को देख के जो है ये प्लानिंग की जाती है. इस प्लानिंग जो है मैं बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है, मैं सरसरी सा जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ. बाकी थ्योरेटिकल है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, पहली जो चीज है जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी की है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि द ऑर्डरली एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम. अब आप खुद सोचें प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है आपके पास. ताकि अगर प्लानिंग आप करते हैं तो पहली बात तो ये है कि एक ऑर्डर और सीक्वेंस आपके पास बन जाता है, और उस ऑर्डर और सीक्वेंस के मुताबिक आप फिर काम करते हैं. ठीक है ना, तो सिस्टम प्लान क्यों जरूरी है ये देखें. ये तो अब पाकिस्तान उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि हमारे पास तो ऑलरेडी जो डेवलपमेंट, ये जो एयरपोर्ट सिस्टम प्लानिंग की स्टेज से हम निकल चुके हैं. लेकिन जब आप कहीं किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहे हो जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, या कोई सऊदी अरबिया है, या मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज हैं जो स्टिल जो है वो इन द डेवलपमेंटल फेजेस हैं. ठीक है, और जो अभी पाकिस्तान में तो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ मेकिंग न्यू एयरपोर्ट्स. ठीक है, तो क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. ठीक है, और ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ही जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ही लोग एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. विद इन द कंट्री डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो बहुत कम लोग एयर ट्रेवल करते हैं. अगर आप यूएस की मिसाल ले लें तो देयर आर 52 स्टेट्स इन द यूएस, और एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में काफी फासला होता है, तो मेजॉरिटी जो मूवमेंट है वो एयरपोर्ट या एयरवेज के थ्रू की जाती है. तो वहां पे ये जो सिस्टम प्लानिंग है कि भाई हर साल हर एक जो है वो डिफरेंट फेजेस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जो हैं वो बन रहे होते हैं. अब द ऑर्डरली एंड टाइमली डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ एयरपोर्ट रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एविएशन नीड्स एंड टू प्रमोट द डिजायर्ड पैटर्न ऑफ द रीजनल ग्रोथ रिलेटिव टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड रिक्रिएशनल गोल्स. देखें, टाइम ऑर्डरली एंड टाइमली मूवमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि जब एक आपके पास एक सिस्टम प्लान होगा तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी ऑफ द एरिया, ऑफ द रीजन, कि भाई मुझे कब नेक्स्ट एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा. ठीक है, और उस नेक्स्ट एयरपोर्ट के हवाले से क्या क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कब कब और कहाँ कहाँ पे पूरी करनी है. तो एक एक स्केड्यूल और एक एक टाइमलाइन आपके आपके पास पहले से मौजूद होगा, और एक सीक्वेंस आपके पास होगा. दूसरा क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एविएशन टू मीट इट्स रोल इन अ बैलेंस एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अब इसका ये दूसरा फायदा क्या है सिस्टम प्लान का. सिस्टम प्लान का दूसरा फायदा ये है कि हमारे पास तमाम ट्रांसपोर्टेशन के जो सिस्टम्स हैं, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, वो एक दूसरे के लिए एज अ फीडर राउट काम करती हैं, एज अ सिस्टम. मतलब
जितने भी, क्योंकि हम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जब ग्रो करते हैं ना, तो दूसरे के ग्रोथ के बगैर जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्रो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप एयरपोर्ट बना लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर रोड नेटवर्क उसके लिए मौजूद नहीं है, तो क्या उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? उसकी इफिशिएंसी तभी बढ़ेगी एक एयरपोर्ट की या एक रेलवे सिस्टम की, कि जब आप उसके लिए जो जो रोड नेटवर्क है, जो हाईवे का नेटवर्क है, अगर वो इफिशिएंट होगा तो तभी जाके दूसरा मोड जो है वो उसके साथ ग्रो करेगा। तो दिस इज, अगर आपके पास एक टाइमली प्लान होगा, एक तो उससे एक फायदा ये होगा कि आप एक्चुअल मोड के साथ साथ, यानी एयरपोर्ट के साथ साथ जो बाकी नेटवर्क है तो उसको भी जो है वो साथ साथ में वो डेवलप करेंगे, और वो भी प्लानिंग का हिस्सा होगा। द प्रोटेक्शन एनहांसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू द लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एविएशन फैसिलिटीज इन अ मैनर व्हिच अवॉइड्स इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इंपेयरमेंट। प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है कि आपको पहले से पता हो कि मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट बनानी है, तो जो लोकेशन आप डिसाइड करेंगे उसमें ऐसी लोकेशन डिसाइड की जाती है जिसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस सबसे कम हो। नेक्स्ट क्या है, इट विल गिव यू अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किस लिए जरूरी है कि भाई मेरे पास जो एयरपोर्ट बनाना है तो फ्रेमवर्क आपके पास होगा, कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए एक प्रोग्राम होगा, ठीक है, साथ में लैंड यूज और एयर स्पेस प्लान्स भी आपके पास होंगे, प्लस उसके लिए जो डेवलपमेंटल गवर्नमेंट बजट होगा वो उसके लिए भी, मतलब यू इट विल बी अ प्रोसेस, ठीक है, एक सीक्वेंस होगा आपके पास की, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा एंड दे विल हैव प्रॉपर बजटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, मास्टर प्लान। मास्टर प्लान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि द एयरपोर्ट मास्टर प्लान इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक एयरपोर्ट। स्पेसिफिक एयरपोर्ट का क्या मतलब है कि जब आप, ये एक कंट्री लेवल प्लानिंग है और एक एक इंडिविजुअल एयरपोर्ट की प्लानिंग है, तो ये इंडिविजुअल एयरपोर्ट की जो प्लानिंग है वो बेसिकली मास्टर प्लान के जुमरे में आती है। द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एंटायर एयरपोर्ट एरिया। इस मास्टर प्लान में क्या क्या चीजें शामिल हैं? एंटायर एयरपोर्ट एरिया बोथ फॉर एविएशन एंड नॉन एविएशन यूजेस। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले स्लाइड में कि भाई एविएशन जो पूरा एयरपोर्ट का मास्टर प्लान होता है उसमें एक एयर स्पेस के रीजन होता है और एक ऑन इनलैंड रीजन होता है। तो जो मास्टर प्लान बनाया जाता है उसमें दोनों रीजन जो है वो इसमें शामिल होती हैं, दैट इज द एयरपोर्ट रीजन, सॉरी द एयर रीजन विच इज द एविएशन एज वेल एज द नॉन एविएशन यूज के लिए, जिसमें एविएशन यूज के लिए कौन सा होता है, जैसे रनवे है, पोर्शन है, टैक्सी वे पोर्शन है, एप्रॉन पोर्शन है, ये तमाम का तमाम जो रीजन है दैट इज द एविएशन रीजन। एंड नॉन एविएशन रीजन कौन सा होता है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग है और आगे उसका जो पार्किंग एरिया है वगैरह वगैरह। अच्छा, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयरपोर्ट मास्टर प्लान इज टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट विच विल सेटिस्फाई एविएशन डिमांड इन अ फाइनेंशियली फिजिबल मैनर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मास्टर प्लान? अगर मास्टर प्लान आपके पास मौजूद होता है तो उससे फायदा ये होगा कि आपके पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आपके पास गाइडलाइंस होंगी। फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन का क्या मतलब है? अगर आपके पास अभी आपने एयरपोर्ट बनाया है और अभी उसके ऊपर जो रनवे की रिक्वायरमेंट है वो सिंगल रनवे की है, लेकिन आपको पता है कि भाई मेरे फ्यूचर में जो है इसके ऊपर एयर ट्रैफिक बढ़ सकती है, तो आपको दो या तीन रनवे की जरूरत पड़ सकती है मजीद, तो उन दो या तीन रनवे के लिए आपको पहले से जो है वो मास्टर प्लान में जगह रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इफ यू हैव अ मास्टर प्लान, ठीक है, तो उसके लिए डेडिकेटेड एरिया जो है वो उन्होंने स्पेसिफाई की होती है, और चूंकि अगर लेट सपोज आप रनवे के लिए, तो बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, और अगर आपने एक रनवे से दूसरे रनवे पे जाना है, दूसरा तीसरा रनवे बनाना है, और आपके पास जगह ही नहीं है, ठीक है, एरिया ही नहीं है, मास्टर प्लान में उन्होंने एरिया ही नहीं रखा,
तो फिर तो आप खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मास्टर प्लान जो है वो बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से आपको इट विल गाइड यू इन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। अच्छा, ये मास्टर प्लान जो है वो उसमें ये स्टेप्स हैं, उसमें ये है कि इट इज द डेवलपमेंट डेवलपिंग द फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ एन एयरपोर्ट, डेवलपिंग द लैंड ऑन एंड द एडजेसेंट टू द एयरपोर्ट, डिटरमाइनिंग द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। ये वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले उसमें डिस्कस किए हैं, जो सिस्टम प्लानिंग में। लेकिन उसमें ये है कि ये बस सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि ये सारा का सारा एक इंडिविजुअल एयरपोर्ट के हवाले से इसमें बातें हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है प्रोजेक्ट प्लान? प्रोजेक्ट प्लान फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द मास्टर प्लान, यानी मास्टर प्लान का एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो हो, ठीक है ना। मास्टर प्लान का स्पेसिफिक एलिमेंट का क्या मतलब है? मास्टर प्लान में ये चीज शामिल है कि आपने अभी 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 एक रनवे है, लेकिन मास्टर प्लान में दो फर्दर रनवेज मौजूद हैं। तो जब आप दूसरा रनवे बना रहे हैं तो वो बेसिकली दैट इज अ मास्टर दैट इज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। लेकिन जरूरी एक बात इसमें ये है कि जो भी प्रोजेक्ट प्लान हो प्लानिंग होती है वो अगर मास्टर प्लानिंग का हिस्सा होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान, ठीक है ना। कि अगर मास्टर प्लान में कोई चीज नहीं है तो वो फिर प्रोजेक्ट प्लान उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब मास्टर प्लान में कोई चीज होगी तभी जाके वो जो है वो उसकी इंडिविजुअल फ्यूचर डेवलपमेंट तो तभी पॉसिबल होगी अगर वो मास्टर प्लान में वो चीज है। उसकी मिसाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दैट इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ अ न्यू रनवे, दैट इंक्लूड्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रनवे, दैट इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ अ टैक्सी वे, दैट इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ गेट्स, द एडिशन ऑफ द रिनोवेशन ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं दैट आर बेसिकली द प्रोजेक्ट प्लानिंग। लास्ट में क्या है? लैंड यूज प्लान। व्हाट इज लैंड यूज प्लानिंग? ये आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आपका सब्जेक्ट है अर्बन प्लानिंग, ये उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट इज लैंड यूज प्लानिंग? लैंड यूज प्लानिंग का मतलब ये है कि आपका जो एयरपोर्ट रीजन है प्लस बाउंड्री, एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है प्लस बाउंड्री से बाहर जितना भी लैंड एरिया है उसकी प्रॉपर एलोकेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, दैट इज बेसिकली द लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। तो लैंड यूज प्लानिंग विद इन द एयरपोर्ट बाउंड्री एंड इन एरियाज एडजेसेंट टू द एयरपोर्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट मास्टर प्लान। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड यूज प्लान फॉर एरिया आउटसाइड द बाउंड्री इज टू मिनिमाइज द डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स ऑफ नॉइज। अब ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लैंड यूज प्लानिंग क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर आप लैंड यूज प्लानिंग करते हैं तो आपने एरिया स्पेसिफाई किया होता है, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। इफ इफ दिस इज द एयरपोर्ट, लाइक इफ दिस इज द होल एरिया फॉर एयरपोर्ट, तो आप क्या करते हैं? आप डिफाइन कर लेते हैं कि ये रीजन है चारों बाउंड्रीज के आसपास, यहाँ पे देयर शुड बी नो रेजिडेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। अब वाई देयर शुड बी नो रेजिडेंशियल एक्टिविटी हेयर, ठीक है, ताकि अगर कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे होगी तो दोज रेजिडेंट्स विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइज, दे विल हैव अ वेरी डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑफ नॉइज। तो इस वजह से ये प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग की जाती है कि कौन सा लैंड जो है वो एयरपोर्ट के करीब करीब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और कौन सा एरिया लैंड जो है वो कमर्शियल एरिया के लिए यूज किया जा सकता है। दैट इज बेसिकली इंक्लूडिंग इन द लैंड यूज प्लानिंग। अच्छा, लास्ट में आपके पास क्या है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड का प्रोजेक्ट हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, या जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, उसके लिए जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली
इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एयरपोर्ट, ठीक है, स्टडीज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट और द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन अपॉन एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ एयर एंड वाटर क्वालिटी, नॉइज लेवल्स, इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड डेमोग्राफिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन हाउ द एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट कैन बेस्ट डील विद मिनिमल एडवर्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई एयरपोर्ट बनाते हैं तो ये देखना जरूरी है कि उस एयरपोर्ट की वजह से एयर क्वालिटी पे कितना असर पड़ेगा, उस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइज लेवल के ऊपर क्या कितना असर पड़ेगा, उस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की वजह से डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जो लोगों की आबादियां हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको अगर कोई नया एयरपोर्ट बनाना है तो उसके लिए लैंड चाहिए होगा, उस लैंड की वजह लैंड एक्वायर करने के लिए हो सकता है वहां पे एग्रीकल्चर लैंड हो वो आप डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है वहां पे जो है वो स्मॉल विलेजेस हो जहां पे लोग रह रहे हो, आबाद हो, और वो आबाद लोगों को माइग्रेट करना पड़े, तो ये उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपने उसमें देखनी है कि ऐसा एयरपोर्ट के लिए ऐसे लोकेशन हो जो कि उस इन्वायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसकी मिनिमाइज किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज तभी किया जा सकता है जब आप उसकी डिटेल्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करेंगे। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द एयरपोर्ट प्लानिंग। सर सिर्फ आपने जहन में ये चीज जी जी सर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है सर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, तो सर ये भी तो लैंडिंग और टेक ऑफ में सर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, लैंडिंग और टेक ऑफ में इनका कोई जो है वो इफेक्ट नहीं।